हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आज किचन टॉवल को साफ कैसे करें ये बताऊँगी। किचन टॉवल बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, इन्हें बहुत आसानी से क्लीन करने का तरीका आपको शेयर करूँगी। एक बर्तन में गर्म पानी कर लेंगे, 1 लीटर करीब। इसे गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर डालेंगे और आधा नींबू का रस निचोड़ लेंगे। आप चाहो तो इसमें बचे हुए साबुन के टुकड़े भी डाल सकते हैं। अब इसमें किचन टॉवल जो है उन्हें डुबो देंगे। इस तरह से हम किचन टॉवल को बहुत ही साफ और बहुत क्लीन करेंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, इसका गंदा पानी निकल रहा है। फ्लेम बंद करके इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। इस तरह से आप और कपड़े भी धो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। अब इसे साफ़ पानी से धो लेंगे। देखिए कितना गंदा पानी है, थोड़ा सा रगड़ देंगे हाथ से। अब साफ पानी से इन्हें क्लीन करेंगे। देखिए कितना साफ लग रहा है कपड़ा, पहले बहुत गंदा था। एक बार और धो लेंगे साफ पानी से। देखिए है ना, बिल्कुल क्लीन। अब इन्हें निचोड़ के रख देंगे। देखिए मैंने धूप में सुखा के रख लिया है, कितना क्लीन है ना हमारे कपड़े। इस तरह से आप कोई भी कपड़े साफ कर सकते हैं और बहुत जल्दी। अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।